हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की इस वीडियो सीरीज में मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने कोड फोर से क्वेश्चन किया था, जिसका रेफरेंस हम लोगों ने लिया था A2J.com से। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। आज फिर हम कैटेगरी में जाएंगे। अब पहले हम लोग मैथ्स पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। मैथ्स सेक्शन जाने के बाद हमें एक क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन मैंने पहले से ओपन कर रखा है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, अ न्यू ईयर कैंडल। ठीक है, पहले तो आप लोग ये क्वेश्चन समझिए। मुझे ये क्वेश्चन समझने में कम से कम 10 मिनट लगे थे कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, सिर्फ लैंग्वेज से, विदाउट आप एग्जाम्पल पढ़े और ये नोट कंसिडर किए। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, एंड वीडियो को पॉज कीजिए एंड क्वेश्चन पढ़िए, फिर समझिए। नाउ आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ के समझा होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। बेसिकली मैं आपको अपने तरीके से क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, वासिली लव्स द कैंडल, उसे कैंडल काफ़ी पसंद है, ठीक है। नाउ कैंडल्स की बात करें तो पहला मान लेते हैं कि A=4, जो कि कैंडल्स के नंबर दे रखे हैं, ठीक है, वो 4 कैंडल है। अब एक कैंडल जो है वो 1 घंटे तक चलता है, ठीक है, मतलब जलता है, ठीक है। तो 4 घंटे तक ये सारे कैंडल्स आधे हो जाएंगे, मान लो ये चारों कैंडल्स आधे हो गए। नाउ एक और फिर टोटल सबसे नीचे देखिए, मैंने लिखा है टोटल टाइम कैंडल्स बर्न A=4, मतलब कि टोटल 4 घंटे तक कैंडल्स जले हैं। अब एक और पैरामीटर दे रखा है बी, जिसका वैल्यू यहाँ पे 2, ठीक है। अब ये बी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, दो जले हुए या दो आधे कैंडल्स को मिला के हम लोग एक नया कैंडल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाए तो टोटल कितने जले हुए हैं, 4 4/2 कितना, 2, तो टोटल 2 नए कैंडल्स बन जाएंगे। अब ये जो दो नए कैंडल्स हैं वो 2 घंटे और चलेंगे, ठीक है। तो 4 + 2 = 6 हो गया, नीचे देखिए, ठीक है। अब ये दो आधे कैंडल्स को अगर फिर से 2 करेंगे तो एग्जैक्टली ये दो आधे कैंडल से हम लोग एक कैंडल बना सकते हैं। तो 2/2 = 1, देन एक कैंडल नया और बन गया। अब ये फिर से बर्न करेगा 1 घंटे तक, तो 7, अब सिंपल एक बचा। अब उस एक से तो हम लोग नया कैंडल नहीं बना सकते, एक और चाहिए होगा, क्योंकि बी का वैल्यू कितना रखा है, 2। आई होप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पता है सच में मुझे ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज से, जो ये लैंग्वेज दिया हुआ है, मुझे इसे तो नहीं समझ में आया था, फिर मैंने एग्जांपल्स पढ़े। अब मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, मुझे सिर्फ आज वो लोग इस वीडियो में कमेंट करेंगे जिनसे मेरा सॉल्यूशन देखे बिना क्वेश्चन हुआ। आप लोग वीडियोस बंद कर दीजिए, मत देखिए अभी, ठीक है। पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपसे होता है तब आप मुझे कमेंट्स कीजिए, सर मेरे से बिना देखे हुआ, ठीक है, तब आएगा मज़ा, तब आप सीखिएगा कुछ। तो चलिए, आई होप जिन लोगों को करना होगा वो करेंगे, मैं आगे आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, कैलकुलेशन पार्ट पे ले जाते हैं, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब पहले हमने देखा A=4 B = 2 था, टोटल सम कितना आया। मैं यहाँ सम कर रहा हूँ, इसका मतलब है, सम का मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे कैंडल जले हैं, ठीक है। नाउ अब ए बाई बी करेंगे, मतलब कि 4/2 2, तो 2 घंटे और जलेंगे, तो A=2 B = 2 हो जाएगा, तो sum = 6 हो जाएगा, 4 + 2 = 6। नाउ अब क्या, अब फिर a बाई बी करेंगे, 2/2 कितना, 1, तो A=1 B = 2। बी से तो खैर एक रेफरेंस है कि इतने पुराने कैंडल्स या जले हुए कैंडल्स को मिला के हम लोग एक नया कैंडल बना सकते हैं। अब कितना आएगा, 7, बिकॉज एक नया कैंडल और बन गया A=1, देखिए, ठीक है। एज इट इज दूसरा एग्जाम्पल A=6 B = 3। चलिए हम लोग कोड लिखते हैं, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो रखा होगा। अब कोड कैसे लिखना है, पहले तो अपना अपना आप जो भी आप आईडी यूज़ कर रहे हैं वो आईडी ओपन कर लीजिए। नाउ एक्सकोड प्रोजेक्ट, कैंडल्स, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कोड लिखता हूँ, तो पहले यहाँ लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। अब तो आप लोग कोड लिखने में काफ़ी हद तक कंफर्टेबल फील करने लगे हैं, जिन्होंने ये लेक्चर मेरा देखा होगा, ठीक है। नाउ अब पहले हम लोग को इनपुट मिल रहा है ए, दूसरा मिल रहा है बी, सी इन ए बी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नाउ अब हम लोग, अच्छा यहाँ गलती हो गया, ठीक है। अब हम लोग को बेसिकली क्या करना है, अब हमें बताना है कि टोटल कितने घंटे कैंडल चलेंगे। इंट एक्स बराबर, अब देखिए स्टार्टिंग की बात करें, A=4 B = 2 है, तो 4 घंटे तो चलना ही चलना है, क्योंकि जो नए कैंडल है वो तो जलेंगे ही जलेंगे, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है। तो X=A लिख देते हैं। पता है हमें कोड किस अनुसार लिखना चाहिए, हम लोग जो समझते हैं ना, हम लोगों ने ये चीज़ समझा है, ठीक है। अब इस समझे हुए के अनुसार हमें कोड को मैनिपुलेट करना चाहिए।
अब देखिए, स्टार्टिंग मैंने सम इज इक्वल टू 4 ले लिया जो कि ए की वैल्यू है, स्टार्टिंग मैंने सम इज इक्वल टू 6 लिया जो कि ए की वैल्यू है। ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है ना कि पहला जो नया कैंडल है वो तो जलेगा ही जलेगा। अब हम लोग करते हैं वाइल एक्स सॉरी ए मॉड्यूल बी इक्वल टू 0, ठीक है, जब तक कि ए मॉड्यूल बी, जब तक कि ए बाई बी डिवाइड होते रहेगा, यहाँ देखिए डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, जब तक कि डिवाइड होते रहेगा तब तक हम लोग लूप को चलाएंगे, उसके बाद नहीं चलाएंगे, ठीक है। तब हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर x प्लस ए बाई बी, ठीक है। ऑब्वियसली x का वैल्यू कैसे बढ़ रहा है, ए बाई बी कर रहे हैं, तो इससे हम प्लस 6 हो गया, 4 से 2 गया, फिर कैसे बढ़ रहा है, ए बाई बी को जोड़ रहे हैं हम लोग किस में, सम में, तो और फिर हम लोग a की वैल्यू कर देंगे ए बाई बी, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू वही हो रहा है हम लोग के पास। आप ये समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है, a की वैल्यू 2 कैसे आ रही है a बाई बी करने से, फिर यहाँ a की वैल्यू 1 कैसे आ रही है a बाई बी करने से, एग्जैक्टली। अब हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे सी आउट x। अब आपको लग रहा हो क्या सर तो इतना आसान कोड था, तो ये हमसे क्यों नहीं होता। अब हम लोग इसे सबमिट करते हैं, आइए यहाँ पे सबमिट करें, मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि हम सबमिट कैसे करते हैं। अच्छा मुझे इंटर करना पड़ेगा, तो हेलो वर्ल्ड लॉग इन, ठीक है, तो सबमिट करने आपको याद होगा यहाँ पे अलग से सेक्शन आता है, यस ब्राउज कैंडल्स कैंडल्स सीपीपी फाइल को मैंने सबमिट किया एंड सबमिट, एंड हम देखते हैं कि हम लोग का सही है गलत, तो कहाँ गया हेलो वर्ल्ड, मिल जा भाई, आई डोंट नो ये कहाँ गया, बट पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये जो हम लोगों के पास दिया हुआ है, ओके जस्ट अ वेट प्रॉब्लम्स, पर यहाँ पे एक एरर आ गया, रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट केस 4। अब हम टेस्ट केस 4 का चेक कर पाते हैं, तो हम फिर से सबमिट करते हैं इसे एक बार देखने के लिए, ठीक है, और मैं इसे कॉपी करके एक टैब में और खोल लेता हूँ ताकि कभी ना कभी यूज़ पड़ जाता है, ब्राउज सीपीपी। अच्छा तो फिर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा वरना ये, तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, सेव नाउ सीपीपी ओपन सबमिट। अब देखते हैं कि यस हेलो वर्ल्ड 1501 प्रॉब्लम ए सबमिट हो रहा है, रनिंग ऑन टेस्ट 3 एंड 4 पे गलती आया था, तो 4 पे इस बार भी गलती आएगा, ठीक है। अब 4 पे हम गलत देखना चाहते हैं, बेसिकली 4 पे गलत कहाँ हो रहा है। अब आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, रॉन्ग ऑन टेस्ट केस 4 और टेस्ट केस 4 देखते हैं, टेस्ट केस 4 क्या है, टेस्ट देखिए ये मैंने कहाँ से पैनल खोला ये बता देता हूँ, ये बेसिकली जो आईडी दिया हुआ है इस आईडी पर क्लिक करेंगे तो ये रहा आपका कोड जो आपने सबमिट किया है, ये टेस्ट केस 1 टेस्ट केस 2 3 एंड 4, 4 जो कि गलती हो गया, आपका आउटपुट आ रहा है 123, आंसर आना चाहिए 153, ठीक है, और टेस्ट केस क्या है 123 और 5। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, हमने अनुमान लगाया है कि, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जब तक कि ए, इस कंडीशन को हटाते हैं और लिखते हैं जब तक कि ए बड़ा है बी से तब तक, या सॉरी क्या मैंने लिख दिया, ए बड़ा है बी से, ऑब्वियसली अब ए को वैल्यू ए बाई बी होते जा रही है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पहले 4 थी अब 2 हो गई, 2 से अब 1 हो गया, अब अल्टीमेटली बी जो है, ध्यान से सुनिएगा, अल्टीमेटली बी जो है बी ए को डिवाइड कब नहीं कर पाएगा, जब ए छोटा हो जाएगा बी से, तभी तो डिवाइड नहीं होगा ए किस से, बी से, ठीक है, ए को डिवाइड करने के लिए सॉरी बी को ए को डिवाइड करने के लिए ए छोटा होना चाहिए, सॉरी बड़ा होना चाहिए, अगर ये छोटा हो जाएगा ये लूप जब तक चलेगा जब तक बड़ा है या बराबर है, अगर छोटा हो जाए तो लूप नहीं चलेगा, ये केस में तो इस सोच में तो आपको कोई दिक्कत लग रही है तो बताइए, सोचिए कोई भी चीज़ तभी डिवाइड ना होगा, अब ये डिवाइड हम कर रहे हैं, ये डिवाइड तभी होगा जब ए बड़ा होगा बी से, तभी डिवाइड कर पाएंगे, अगर ए छोटा हो जाएगा बी से तब डिवाइड नहीं होगा, तो ये लूप हम वहाँ तक चलाते हैं। अब देख लीजिए रन करके, रन करने पर आंसर सही आएगा, पहला टेस्ट केस हमारा क्या दिया हुआ है, पहला टेस्ट केस दिया हुआ है 4 और 2, तो आंसर 7 आना चाहिए, देखते हैं, पहला है 4 एंड दूसरा है 2, अब आंसर नहीं आएगा क्योंकि जब टाइम पे काम होता तब कभी काम करता नहीं है, 4 और 2 आंसर 7 आया, एग्जैक्टली
फिर से रन करते हैं। किस चीज़ के लिए? सिक्स और एट था ना, सॉरी सिक्स और थ्री था। ओके, इसका आंसर एट था, सिक्स एंड थ्री, आंसर एट। सही लग रहा है आपको? अब हम लोग इस कोड को क्या बोलते हैं, सेव करते हैं एंड सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। फिर से बैक, क्या लगता है सही है गलत? पता नहीं, देखते हैं। कॉपी, ओपन, सबमिट। हेलो वर्ल्ड फिर से आ गया। इन क्यू, टेस्ट वन पास, टेस्ट फोर पास। अच्छा, रनिंग ऑन टेस्ट फोर चल रहा है, पास हुआ है नहीं ये नहीं पता। थ्री तक तो पास हो गया, यस। फोर फिर गलती हो गया। भैया गड़बड़ कहाँ हो रहा है? अब बताता हूँ फोर क्यों गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, फोर जो टेस्ट को, वो क्या दिया हुआ है? 123 और 5। बता देता हूँ कैसे, मैंने देखा है पहले से। 120 और 3, ये रहा 123 एंड 5। ठीक है, ए की वैल्यू है 123 एंड बी की वैल्यू है 5। अब सम तो 123 आना है, यहाँ तक क्लियर? ध्यान से समझिएगा। अब ए बाई बी करेंगे पेयरिंग करने के लिए। अब पाँच, अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि पांच गंदे कैंडल या पांच जले हुए कैंडल को मिला के एक नया कैंडल बनेगा। तो 123 को डिवाइड करेंगे। अब 123 जब जल जाएगा तो 123 आधा वाला, मतलब कि बर्न कैंडल, तो 123 बचेगा ना। तो 123 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे हम लोग, 24.6 आता है, मतलब 24 पेयर बनेंगे। तो ए का वैल्यू 24, बी का वैल्यू 5। यहाँ तक क्लियर? नाउ अब 24 घंटे और जलेंगे, तो 123 प्लस 24, 147। अब 24 जब जल जाएंगे नए कैंडल, तो 24 इट मीन्स कि वो पुराने हो गए, कि 24 जले हुए कैंडल हो गए। अब उन 24 जले हुए कैंडल को पाँच पाँच का ग्रुप करेंगे, 24 बाई 5, 4.8 एग्जैक्टली। तो अब कितना हुआ? इट मीन चार मान लो आप, तो 147 प्लस 4, ठीक है, तो 151। बट फिर भी आंसर गलत है। अब आपको मैं एक सबसे छोटी चीज़ बता दूँ जो हम लोग छोड़ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर 123 बाई 5 कर रहे हैं तो 24 तो पेयर हो जा रहे हैं, बट और रिमेनिंग कैंडल कितने बच रहे हैं? तीन। अगर 123 बाई 5 कर रहे हैं, 24 आया, 24 इंटू 5 कितना? 120। इट मीन्स कि तीन कैंडल बच रहे हैं जिनका पेयरिंग नहीं हो पा रहा है पाँच के साथ। दूसरे केस में 20, अभी देखिए इस केस में तीन कैंडल यहाँ बच गया जिसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। अगर दो और कहीं से मिल जाए या, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास तो भैया एक नया कैंडल और बन जाएगा ना। तो 24 बाई 5 में यहाँ पे कितने बच रहे हैं? चार। इट मीन्स कि जो बच रहे हैं, चार यहाँ बचे, तीन यहाँ बचे, टोटल कितना बचे? सात। अगर इस तीन को हम लोग साथ लेके चलते हैं तो 3 प्लस 4 7, तो आगे चल के ये 7 बाई 5 होता। तो इट मीन्स कि एक नया कैंडल तो और बनता जो हम लोग यहाँ इग्नोर कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग ए की वैल्यू जो बचा रहे हैं, ए क्या हो रहा है, जो नया कैंडल बन रहा है, ए बाई बी यहाँ नया बन रहा है। बट बेसिकली हमें ये भी काउंट करना पड़ेगा कि ए मॉड्यूलो बी, ये है नया, तो ये बेसिकली बता रहा है कि नया बन गया। बट रिमेनिंग फिर ए कितना बचा? इस ए यहाँ पे जो हम लोग ए लिख रहे हैं, इस पोजीशन पे जो हम लोग ए लिख रहे हैं, वो कैसे लिख रहे हैं? 24 नए बने, बट बेसिकली हमें ध्यान ये रखना है कि ए मॉड्यूलो बी जो बचे हुए कैंडल हैं हम उन्हें भी ऐड करना पड़ेगा। अब हम इसे सबमिट करते हैं, सेव करते हैं आई मीन, एंड देन आफ्टर अगेन ब्राउज फाइल, मैंने सेव किया था ना, सेव। ओके, नाउ ओपन एंड सबमिट। अब जाके ये कोड पूरी तरह से सक्सेसफुल सबमिट होगा, कि कैसे सोचा जाता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे तो पहले देख लेते हैं, 11 पास कर गया, एक्सेप्टेड, यस, हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो गया। समझे ये चीज़? हम लोग ये जो कैंडल छोड़ रहे हैं, तीन कैंडल हम लोगों ने यहाँ छोड़ा, चार यहाँ छोड़ा, बेसिकली चार और तीन सात होते हैं। तो ये सात का, सात जले हुए कैंडल अगर मिल गए तो पाँच से डिवाइड करेंगे तो एक नया कैंडल और बनेगा ना। तो यहाँ पे आप मार खा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नाउ अगेन हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। एंड आप लोगों से एक मैं बात कहूँगा, बेसिकली आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है, मेरे जो वीडियोस देख रहे हैं बहुत सारे लोग, पहले तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज़ अगर मेरे वीडियोस को आप कम्युनिटी कंट्रीब्यूट कर पाते हैं टू कन्वर्ट और टू जनरेट अ सबटाइटल, ठीक है, तो आप प्लीज़ कीजिए। एंड आप लोगों के पास एक दूसरा अपॉर्चुनिटी है हेलो वर्ल्ड की तरफ से, कि बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं वो बेसिकली टेक्निकल ब्रांच से हैं, ठीक है, टेक्निकल फील्ड से हैं। तो
बहुत लोगों को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होगा, बहुत लोगों को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट होगा, बहुत लोगों का एआई में इंटरेस्ट होगा, बहुत लोगों का डिजाइनिंग में इंटरेस्ट होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, तो इन चीज़ों का एक्सप्लोर करना चाहिए। जिन लोगों को डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है वो मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं फॉर रिगार्डिंग थंबनेल, ठीक है। जिन लोगों को आप मेरे वीडियो का थंबनेल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आप मुझे एक डेमो दे भेज सकते हैं बना के, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सब पे आप मुझे एक डेमो भेजिए मेरे जीमेल पे, हेलो वर्ल्ड के जीमेल अकाउंट पे, हेलो वर्ल्ड बाई प्रिंस एट द रेट जीमेल डॉट कॉम आप मुझे भेजिए। आपका फिर जो भी थंबनेल होगा आप जो मुझे देंगे उनका, ऑब्वियसली मैं हर वीडियो के लिंक के नीचे आपको एक थंबनेल क्रेडिट दूंगा, आपका नाम दूंगा, आपका जीमेल आईडी दूंगा। तो आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है ना तो आप प्लीज़ उसे यूज़ कीजिए, कहीं कम्युनिटी में शो कीजिए। तो कल के डेट में ये आपके बेनिफिट के लिए है कि यस मैंने इस जगह पे कंट्रीब्यूट किया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है। तो प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, देखिए अगर कर पाते हैं जो लोग, अच्छी चीज़ है। बिकॉज आई नो फोटोग्राफी, डिजाइनिंग, ये सब बहुत लोग जानते हैं। तो ये ऐसा थंबनेल जो काफ़ी अट्रैक्टिव हो, जो काफ़ी एक यूनिक हो, जिस जो थंबनेल समझ रहे हैं ना क्या होता है, बेसिकली थंबनेल होता है कि आप जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जैसे कि मैं बात करूं तो यूट्यूब एंड हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो जैसे कि ये जो चीज़ दिख रहा है ना थंबनेल, इसे थंबनेल कहते हैं, जिसपे देख कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेक्चर 44, इसे थंबनेल कहते हैं। जिन्हें लगता है कि मैं अच्छा डिज़ाइन कर सकता हूँ और अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, प्लीज़ मी ईमेल मी, इट्स अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू, एंड देन जो होगा फिर मैं बताता हूँ मेल करके। थैंक यू, अगर वीडियो तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि कम्युनिटी और बड़ी हो सके एंड मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सकूँ। ऐसे बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपको हेलो वर्ल्ड देते रहेंगी, सो प्लीज़ ऑप्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।